नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक न्यूज में। दोस्तों, भारत में हो रहे किसान आंदोलन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जो आज हम आपको इस आंदोलन के बारे में बताने जा रहे हैं वो आपने अभी तक नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, किसानों के आंदोलन से जुड़े कुछ तत्वों ने हाल ही में सर्वरलो रैंसमवेयर नाम का एक खतरनाक वायरस बनाया है समाज के लिए घातक। इन लोगों के अनुसार रैंसमवेयर आपके फोन, लैपटॉप में ईमेल के माध्यम से घुस सकता है और तब तक नहीं हटेगा जब तक भारत सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती। दोस्तों, इस दौरान आपके डाटा को लॉक कर दिया जाता है और दोस्तों मजे की बात तो ये है, ये लोग आपके डाटा को अनलॉक करने के लिए कोई पैसे की मांग नहीं रखते हैं, बल्कि इनकी मांग है इन तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले। यानी कि आपका डाटा आपको तभी दिया जाएगा जब सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी, जो कि संभव नहीं है। दोस्तों, जिस समूह ने रैंसमवेयर के लिए जिम्मेदार होने का दावा किया है वह खुद को खालसा साइबर फौज कहता है। इन हैकरों का कहना है अगर तीन कृषि कानून वापस नहीं हुए तो आपका महत्वपूर्ण डेटा आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप सबके हमारे मोबाइल और लैपटॉप की जरूरी फाइल्स को बंधक बनाने की साजिश हैकरों द्वारा हमेशा से होती रही है। इस मामले में एंटीवायरस की कंपनी क्विक हील ने रिसर्च रिपोर्ट एक जारी करी है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि किसान आंदोलन से जुड़े तत्व यानी कि हैकर्स अब आम भारतीयों के फोन को बंधक बनाने की साजिश कर रहे हैं। दोस्तों, क्विक हील ने दावा किया है कि भारत में पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन में कुछ हैकर्स भी अब जुड़ चुके हैं और अब सर्वरलो नाम के रैंसमवेयर को बनाया गया है। दोस्तों, सामान्य तौर पर रैंसमवेयर ईमेल से आपके फोन में घुसकर आपके डाटा जैसे ऑडियो फाइल, आपकी वीडियो फाइल, पीडीएफ, इमेजेस को लॉक कर देता है। आपके लैपटॉप या फिर मोबाइल में कोई आया लिंक जो कि आपको ऐप को डाउनलोड करने के लिए कह सकता है, वो हो सकता है कि वो रैंसमवेयर का लिंक हो या उस लिंक के माध्यम से रैंसमवेयर वायरस आपके लैपटॉप या फिर फोन में घुस सकता है। दोस्तों, यही नहीं, ये हैकर्स आपके लैपटॉप या फिर फोन को एक बार हैक होने के बाद वो आपको एक मैसेज लिखते हैं, आपकी फाइल किसानों की किस्मत पर टिकी है, अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेती है तो आपको आपकी सारी फाइल सही सलामत सुरक्षित मिल जाएगी, लेकिन अगर भारत सरकार इन तीनों बिलों को वापस नहीं लेती है तो आपको आपकी फाइल कभी भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हैकर्स किसान आंदोलन के समर्थक हैं और ये अपना मैसेज लैपटॉप या फोन की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, साइबर एक्सपर्ट को भी लग रहा है कि ये सब जरूर भारत के दुश्मनों का खेल है जो कि भारत की सरकार को एक तरह से ब्लैकमेल करना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे भयानक अपराधों के लिए सरकार को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी एक्शन ले इन सभी के खिलाफ और जितने भी ये हैकर्स हो इनको जेल के पीछे पहुंचाया जाए और संविधान के अनुरूप इन पे कार्रवाई की। तो दोस्तों, बस आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।